गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग को कुछ टॉपिक बच गया था और जो आप लोग समझ भी नहीं पाए थे, और सुबह में जो लाइव क्लास दिए थे उसमें टाइम की वजह से आप लोग को सही से समझा नहीं पाए थे। तो वो जो पॉइंट सब कुछ था जो आप लोग को बता दे रहे हैं कि रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है या लीकेज करंट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर यानी कि नहीं समझे लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो बता दीजिए सर यानी कि ये क्या होता है। तो आप लोग के डिमांड पर ही रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट के बारे में बता रहे हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करेंट या इसी बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स लीकेज करेंट, रिवर्स लीकेज करेंट। देखिए यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट क्या होता है। पहले आप लोग डिफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन पीएन जंक्शन, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड, जब पीएन जंक्शन डायोड आपको रिवर्स बायस में होता है, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस। क्या लिखे हैं कि व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस, सम माइनॉरिटी, सम माइनॉरिटी कैरियर, सम माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस, सम माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन ड्यू टू दिस। कहने का मतलब यानी कि इस माइनॉरिटी कैरियर के कारण क्या होता है कि वेरी स्मॉल करेंट, वेरी स्मॉल करेंट क्या होता है, फ्लो होता है, वेरी स्मॉल करेंट फ्लो इन द सेमीकंडक्टर। देखिए क्या लिखे हैं, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस, सम माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल करेंट फ्लो इन द सेमीकंडक्टर व्हिच इज नोन एज रिवर्स रिवर्स लीकेज करेंट। दिख रहा है सही से? सही है। रिवर्स सैचुरेशन करेंट या रिवर्स लीकेज करेंट किसको बोलेंगे कि जब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, और क्या होता है कि माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस कर जाता है जंक्शन को, तो उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या होता है कि आपको एक करंट डेवलप होता है बहुत ही यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में, जिसे कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट।
देखिए इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, ये आप लोग नोट्स करेंगे। रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट, पहले लीकेज करंट देखिए, लीकेज करंट जो डेवलप होता है, लीकेज करंट डेवलप ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये पहला पॉइंट हो गया आप लोग का। और दूसरा पॉइंट है लीकेज करंट इज फंक्शन ऑफ, लीकेज करंट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट है लीकेज करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सप्लाई वोल्टेज। देखिए क्या लिखे हैं कि लीकेज करंट जो होता है वो थर्मल एनर्जी के कारण डेवलप होता है, और लीकेज करंट जो होता है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा उसके कारण ही आपका यानी कि थर्मल एनर्जी डेवलप होता है। आप सप्लाई वोल्टेज कुछ भी दीजिए, सप्लाई वोल्टेज से क्या होता है, लीकेज करंट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। ये आपका लीकेज करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था। अब देखिए एक होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है कि वह मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जिसके कारण क्या होता है कि पीएन जंक्शन जो होता है आपको ब्रेक कर जाता है और अचानक से करंट का वैल्यू जो होता है बढ़ जाता है, वह वोल्टेज आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ मिनिमम रिवर्स वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक एंड सडन राइज करेंट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या लिखे हैं कि वह मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जिस पर क्या होता है कि पीएन जंक्शन आपका ब्रेक कर जाता है और अचानक से करंट क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, आपको यह क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब देखिए एक और है नी वोल्टेज, नी वोल्टेज क्या होता है, नी वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जहां से क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन करता है। क्या बोले हैं, नी वोल्टेज इसी को बोलते हैं टर्न ऑन वोल्टेज। क्या बोले हैं, नी वोल्टेज।
नी वोल्टेज क्या होता है कि वह फॉरवर्ड वोल्टेज, यानी उस फॉरवर्ड वोल्टेज का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच बैरियर पोटेंशियल या डिप्लेशन लिखिए, डिप्लेशन लेयर वैनिशेज, डिप्लेशन लेयर वैनिशेज, यानी कि वह फॉरवर्ड वोल्टेज जिस पर क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर आपका वैनिश कर जाता है और क्या होता है कि करंट कंडक्शन वहां से चालू हो जाता है, वही वोल्टेज आपका कहलाता है नी वोल्टेज, इज नॉन एज, नॉन एज नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। देखिए आप लोग को बताए थे लाइव क्लास में कि सिलिकॉन, सिलिकॉन का नी वोल्टेज जो होता है 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्टेज होता है। ये आप लोग डिफिनेशन लिख लेंगे। चलिए देखिए इससे रिलेटेड इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनता है नी वोल्टेज का। सभी लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिएंगे। और ये जो दो पॉइंट बताए हैं कि नी वोल्टेज होता है जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आएगा। देखिए नी वोल्टेज के लिए ग्राफ देखिए कैसे होता है, ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है और ये फॉरवर्ड करेंट, यही वोल्टेज है आपका नी वोल्टेज। जब यहाँ जब तक इतना वोल्टेज से बाद जब वोल्टेज नहीं, इतना वोल्टेज तक रहेगा तब तक मेरा जो सेमीकंडक्टर रहेगा वह करंट कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे ही ये नी वोल्टेज से वोल्टेज बढ़ेगा वहाँ से क्या होगा कि करंट कंडक्शन करना चालू हो जाएगा, लीनियरली बढ़ते चले जाएगा, यही होता है आप लोग का नी वोल्टेज या टर्न ऑन वोल्टेज। देखिए और एक पॉइंट है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट, ये आप लोग जो सुबह में लाइव क्लास था उस लाइव क्लास में ये नहीं बताए थे। तो फॉरवर्ड करंट क्या होता है पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। It is the highest. It is the highest instantaneous. दिख रहा है? It is the instantaneous forward current. It is the highest instantaneous forward current that PN junction, क्या लिखे हैं, इट इज द हाइएस्ट इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करेंट डेट पीएन जंक्शन डायोड कैन कंडक्ट, पीएन जंक्शन डायोड कैन कंडक्ट, कंडक्ट इज नॉन एज मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट।
फॉरवर्ड करेंट। क्या लिखे हैं? इट इज द हाइएस्ट इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करेंट डेट पीएन जंक्शन डायोड कैन कंडक्ट इज नोन एज मैक्सिमम फॉरवर्ड करेंट। यानी कहने का मतलब तो कि वो मैक्सिमम फॉरवर्ड करेंट जहाँ से हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो होता है कंडक्ट हो जाता है विदाउट डैमेज डैट इट इज द हाइएस्ट इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करेंट डैट पीएन जंक्शन डायोड कैन कंडक्ट विदाउट डैमेज। यहाँ ये लिख लेंगे विदाउट डैमेज। ये छूट गया था बीच में लिखने के लिए। क्या था कि वह मैक्सिमम या हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करेंट जहाँ से पीएन जंक्शन डायोड जो होगा आपका वह यानी कि करेंट कंडक्ट करेगा और यानी कि डैमेज भी नहीं होगा। वह जो आपका यानी कि करंट कहलाएगा वो आपका मैक्सिमम फॉरवर्ड करेंट कहलाएगा। तो आप लोग फॉरवर्ड मैक्सिमम फॉरवर्ड करेंट समझ गए होंगे। अब देखिए एक और पॉइंट्स है जिसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज PIV। पीक इनवर्स वोल्टेज जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PIV। कितना साइड में गाना बजा दिया। देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, यह नाम से ही स्पष्ट है। पीक मतलब हाईएस्ट होगा, पीक मतलब हाईएस्ट, अच्छा जी अच्छा हाईएस्ट हो गया, इनवर्स मतलब इनवर्स हो गया, वोल्टेज में बोलते हैं यानी कि वह मैक्सिमम वोल्टेज, वह इनवर्स मैक्सिमम वोल्टेज जहाँ तक क्या होगा कि आपका पीएन जंक्शन जो होगा वह आपको यानी कि सह सकता है। यदि उस वोल्टेज से जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा कि पीएन जंक्शन जो है डायोड वह आपका डिस्ट्रॉय कर जाएगा, डैमेज कर जाएगा, तो हमारा डैमेज भी नहीं हो, यानी कि कोई भी डायोड जो होगा जितना वोल्टेज आपको सह सकता है वह वोल्टेज आपको कहलाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज। वह इनवर्स वोल्टेज या वह मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज डेट कैन बी अप्लाइड ऑन द पीएन जंक्शन डायोड विदाउट डैमेज द जंक्शन इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। चलिए इसका भी डिफिनेशन लिखिए देते हैं। द मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज डैट से शुरू कीजिए, डैट यानी वह मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज विच कैन अप्लाइड दैट मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज विच कैन अप्लाइड ऑन द पीएन जंक्शन विदाउट डैमेज इज कॉल्ड PIV। क्या लिखे हैं? द मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज विच कैन अप्लाइड ऑन द पीएन जंक्शन विदाउट डैमेज, यानी कि वह मैक्सिमम इनवर्स वोल्टेज जो आपको पीएन जंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो मेरा पीएन जंक्शन जो होता है वो डैमेज नहीं होता है, तो वोल्टेज आपका पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग। और एक दो
पॉइंट है वो आपको समझा देते हैं। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम में मोस्टली जो यूज होता है आपका सिलिकॉन होता है मोस्टली यूज्ड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐसा है मोस्टली जो आपका यूज जो होता है सेमीकंडक्टर वह सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन ही क्यों करते हैं, देखिए जबकि कंडक्टिविटी जो होता है सिलिकॉन से ज़्यादा जर्मेनियम का होता है लेकिन फिर भी आप सिलिकॉन यूज करते हैं क्यों, क्योंकि जर्मेनियम में जो होता है आपको लीकेज करंट ज़्यादा हो जाता है, लीकेज करंट ज़्यादा हो जाने के कारण सेमीकंडक्टर जो यूज करते हैं वो मोस्टली आपका सिलिकॉन करते हैं। मेटालिक प्रॉपर्टी फिर किसका ज्यादा हो गया, मेटालिक प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है आपका मेटालिक प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम ऑफ जर्मेनियम बिकॉज इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है वो यानी कि बहुत ही कम होता है बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस या इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज मिनिमम। हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है कि वी बराबर आई आर, तो आर बराबर वी अपॉन आई। देखिए अब यदि जानते हैं कि करंट जो होगा कम होगा, करंट कब कम होगा, यहां से देखिए रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, और करंट का वैल्यू कब कम होता है, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टी जो होता है मैक्सिमम होता है किसका, जर्मेनियम का, और तो मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि फॉरवर्ड करंट जो होगा वह यानी कि जो जर्मेनियम में होगा वह मैक्सिमम हो जाएगा किसके तुलना में, सिलिकॉन के तुलना में ज़्यादा करंट फ्लो होता है किससे, किधर लिखे हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम से। तो ये आपको यानी कि दो पॉइंट्स याद रखना है कि मोस्टली जो जो होता है सेमीकंडक्टर वो आपका सिलिकॉन होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा जो होता है जर्मेनियम का होता है। तो ये टर्म, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, आप लोग के सेमेस्टर के एग्जाम में ये पॉइंट्स आएंगे, सब्जेक्टिव में नहीं आए अलग बात है लेकिन ऑब्जेक्टिव में जरूर आएंगे ये सब, फिर नहीं बोलेगा कि सर आप ये सब नहीं बताए थे। अब आगे आप लोगों का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अब आप लोग का रेक्टिफायर है और फिल्टर, तो रेक्टिफायर और फिल्टर जो है हम आगे की क्लास में बताएंगे, और यहाँ तक आपका सेमीकंडक्टर में जितना भी टॉपिक था सब आप लोग का ख़त्म कर दिए हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं है जो आप लोग को नहीं बताए हैं, और कोई भी जो ऑब्जेक्टिव जो होगा सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपको सब बन जाएगा। थैंक यू। और चलिए देखिए, और यानी कि इससे पहले का जो जो टॉपिक जो नहीं पढ़े होंगे वो आप लोग को अपने चैनल जो है एसके ट्यूटोरियल, इस पे यानी कि इससे पीछे का जितना भी पॉइंट्स था या जितना भी टॉपिक्स था सब हम यानी कि अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जा करके सभी को देख लेंगे जिसका यानी क्लास छूट गया होगा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आप लोगों का फायदा क्या होगा कि जैसे मैं कोई भी यानी कि वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोगों का कोई भी क्लास मिस नहीं होगा।
वैसे भी आप लोग ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है मॉर्निंग में 6 बजे सभी कोई क्लास अटेंड करेंगे, जिससे फिर ये वीडियो यानी कि अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग क्लास नहीं करते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा क्लास छूट गया, जिसके चलते ये वीडियो फिर से बनाना पड़ता है। थैंक यू।